नमस्कार, आज मैं आपको महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की पास कोर्स के भूगोल विषय के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनकी अंक योजना और प्रश्न पत्र प्रारूप किस प्रकार का होता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए चूँकि जितने भी पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, उन सभी का अंक योजना और प्रारूप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल समान होता है, इसलिए किसी भी एक प्रश्न पत्र की अंक योजना और प्रश्न पत्र का प्रारूप समझ लेने के बाद में आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उसको हल करना। सबसे पहले मैं आपको ये जो उदाहरण है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बीए पार्ट थर्ड के अंदर भूगोल के अंदर दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि है वो है प्रादेशिक भूगोल और द्वितीय प्रश्न पत्र है वो है भारत का भूगोल। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से इसका अंकों का विभाजन होता है और किस प्रकार से इसका प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है। अंक योजना और प्रश्न पत्र जो प्रारूप है उसमें जो पेपर होते हैं प्रश्न पत्र, जैसे प्रादेशिक भूगोल है तो प्रादेशिक भूगोल का जो पूर्णांक है वो 75 अंक का होता है और समय जो अवधि जो होती है वो 3 घंटे की होती है। न्यूनतम जो है इसमें प्राप्तांक जो होने चाहिए आपके, न्यूनतम प्राप्तांक दोनों पेपर में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के मिलाकर जो है 54 अंक होने चाहिए। अब जो पाठ्यक्रम योजना है, प्रारूप है, उसको पाठ्यक्रम को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वारा 3 इकाइयों में बांटा जाता है, जिसमें संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई और तृतीय इकाई, 3 जो है भागों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। अब प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है और अंक की जो योजना है उसके बारे में, प्रश्न पत्र को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, ए भाग, बे भाग और स भाग। सबसे पहले ए भाग के बारे में, ए भाग के अंदर कुल 10 प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्न हल करने आवश्यक होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 सही 1/2 अंक होता है और सभी प्रश्न के उत्तर आपको अधिकतम 20 शब्दों में देने होते हैं, अर्थात कुल 10 प्रश्न के अंक 15 अंक होते हैं और प्रत्येक इकाई में से कम 3 प्रश्न आते हैं और 3 इकाइयों में से 1 इकाई से 4 प्रश्न आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड, इकाई फर्स्ट से 3 क्वेश्चन आ गए, इकाई सेकंड से भी 3 क्वेश्चन आ गए और इकाई थर्ड से जो है 4 क्वेश्चन आए, तो 3 3 + 4 = 10 क्वेश्चन। या फिर इकाई फर्स्ट से जो है 3 क्वेश्चन आ गए, इकाई सेकंड से 4 क्वेश्चन आ गए और इकाई थर्ड से या इकाई तृतीय से जो है 3 क्वेश्चन आ गए, तो 3 4 और 3 कुल मिलाकर 10 प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार से जैसे इकाई फर्स्ट से 4 क्वेश्चन, इकाई सेकंड से 3 क्वेश्चन और इकाई थर्ड से 3 क्वेश्चन, कुल मिलाकर जो है 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 प्रश्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक इकाई में से कम जो है 3 प्रश्न का आना जरूरी होता है। बात करते हैं बे भाग की, बे भाग में कुल 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 3 अंक का होता है और कुल अंक 15 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक इकाई से कम 1 प्रश्न आता है और सभी हल करने आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे इकाई फर्स्ट से
एक क्वेश्चन आ गया इकाई सेकंड से, दो क्वेश्चन इकाई थर्ड से, दो क्वेश्चन, तो एक प्लस दो प्लस दो कुल बराबर पांच क्वेश्चन हो जाते हैं, पांच प्रश्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे इकाई फर्स्ट से दो क्वेश्चन आ गए, दो प्रश्न आ गए, इकाई सेकंड से एक प्रश्न आ गया और इकाई थर्ड से दो प्रश्न आ गए, तो दो प्लस एक प्लस दो बराबर पांच प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार से जैसे इकाई फर्स्ट से दो प्रश्न, इकाई सेकंड से दो प्रश्न और इकाई थर्ड से एक प्रश्न, तो कुल मिलाकर दो दो प्लस एक बराबर कितने हो जाते हैं, पांच प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से आपको भाग सह के बारे में, भाग सह के अंदर जो है छः प्रश्न आते हैं कुल और प्रत्येक इकाई से दो प्रश्न आते हैं, तीन इकाई में बटा हुआ सिलेबस है तो छः प्रश्न आते हैं, तो प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न आएंगे। कुल छः प्रश्न में से प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल करना आवश्यक होता है, अर्थात कुल जो छः प्रश्न हैं उनमें से प्रत्येक इकाई, मतलब इकाई फर्स्ट में से दो क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से एक प्रश्न हल करना है, इकाई सेकंड में दो क्वेश्चन आए हैं, दो प्रश्न आए हैं तो उसमें से एक हल करना है, और इकाई थर्ड में दो प्रश्न आए तो उसमें एक हल करना है। इसी प्रकार से इस छः भाग के कुल पंद्रह छः भाग के अंदर प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का होता है, अर्थात कुल तीन प्रश्न हल करने हैं आपको, एक प्रश्न का जो है 15 अंक है तो 15 इंटू तीन बराबर 45 नंबर का छः भाग होता है। अब मैं आपको एक इस के माध्यम से आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ए भाग से कुल 10 प्रश्न आते हैं, प्रति प्रश्न 1.5 अंक का होता है और 10 प्रश्न हल करने होते हैं, अर्थात आपको ए भाग जो होगा आपका 15 अंक का होगा। इसी प्रकार से बे भाग से कुल 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न का जो है 3 अंक होता है और पांचों प्रश्न हल करने होते हैं, कुल अंक जो होते हैं आपके बे भाग से 15 अंक का होता है। से भाग में कुल 6 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है और तीन प्रश्न इसमें से आपको हल करने होते हैं, तो 15 इंटू तीन बराबर से भाग आपका 45 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपके कुल प्रश्न पत्र में 21 प्रश्न आते हैं, जिसमें 10 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरात्मक ए भाग के, 5 प्रश्न आपके लघु उत्तरात्मक बे भाग वाले और 6 प्रश्न आपके निबंधात्मक जो है आते हैं। थैंक यू।